पास हो गया है मेरे के 2-0 लगा देना पीछे जो एक्स्ट्रा थी ना 2-0 आई मैं 13 वाले का थोड़ा सा समझा दूं फिर उसके बाद करते रहना है वाले सब ना मैं 9.5 तक कराई है चैप्टर 13 आओ इधर को चैप्टर 13 बता दूं थोड़ा सा ठीक है ये मैंने बताया था सिमेट्रिकल मीन्स किसको बराबर कर सकते हैं हाफ या हाफ कर दिया जो आधा नहीं हो पाएगा उसको एसिमेट्रिकल बोलना है क्या बोलना है तो बीच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल किसको आधा कर सकते हैं इनमें से बताना है ठीक है ड्रॉ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन सिमेट्रिकल फिगर जो आधा कर सकते हैं ना जिनको उनमें एक्सिस माने ये लाइन जो इसको एक्सिस बोला है ये लाइन खींचनी है आधा आधा करके बताना है केले को तो आधा नहीं कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा तो ए सिमेट्रिकल बोलते हैं वैसे इसको पर इसने इसको क्रॉस कर दिया नहीं हो पाएगा ये हो पाएगा तो लाइन की डॉटी डॉटेड जो आधे हो पाएंगे ना ये ऐसे भी हो सकता है आधा ये हो गया ये नहीं हो रहा जो नहीं होते हैं ना उनको ए क्रॉस कर देना कि नहीं हो रहा ठीक है हाँ ए यानी ए सिमेट्रिकल यानी आधा नहीं होगा आया समझ में स्टील किसे कहते हैं चुराना स्टील ये वाला मैंने बताया जैसे ये है ऐसी बनाने तो कर लोगे ये भी कर लोगे ना एक इधर को है तो फिर एक उल्टा गया नेक्स्ट फोर फिगर्स बाय टर्निंग देम 180 डिग्री यानी ऐसे था तो सीधे यहाँ घूम गया ये सीधे है फिर उल्टे हुए फिर सीधे कर लोगे अभी देखो ये वाले मैं दे दूंगी लिख के अब दूसरा रजिस्टर भी दे दो नहीं आ रहा तो नीचे पहुंच जाओ मल्टीप्लाई कर लो सारा 408 है ये 80 तो है नहीं यहाँ पे अरे ये मैंने मिटाया हुआ कहाँ दिख रहा है क्लियर दिख रहा है मिटाओ ढंग से अच्छे से मिटा दो लाओ वो जीरो दिख रहा है ना मिटा तो दिख नहीं रहा ना मिटाते ठीक से नहीं है ना इसमें कुछ सम रह गया था क्या इधर के दिखाओ अभी मैं अभी रुक जाओ एक मिनट अभी लेनी होगी लाओ दो एक मिनट एक क्वेश्चन लिख के देती हूँ फिर करते रहना तुम ये बताया था ऐड करना एंड सिंपलीफाइंग द आंसर इन क्वेश्चन 2 ही दे रही थी मैं ना सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कट रहा है तो काट देना है करो नहीं आएगा पूछ लेना मुझसे जाओ मुझे अरे नहीं देख रहा भाई उसको आता है मल्टीप्लाई करना अच्छा अरे मैं वो देखी वो स्टेटमेंट उसे मैंने बता दी थी वो कहाँ चीटिंग कर उसको पता था पहले तुमसे पहले बताया था उसको मैंने ऐसे ही करना है प्लस लगा के पहले ही दे रखा है नीचे जो सेम है उसको एक बार लिखना है ऊपर के नंबर ऐसे कैसे उतार दो और ऐड करके लिख दो पर इस बार क्या करना है कटेगा तो काटना भी है अगर एक टेबल में आ रहे हैं तो काटना है मैं बता दूंगी वो इतना करो जाओ यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तुमने साइन नहीं लगाया अब यहाँ पे जो आंसर आएगा ना 408 पिक्चर्स लिख दो बस हो गया क्या लिखना है 408 पिक्चर्स फिर उसके बाद में नंबर 10 408 पिक्चर्स लिख दो 10 वाला पढ़ लो अभी थोड़ी देर में करा रही हूँ मैं जरा 14 स्टिकर्स कैन कैन कीप फर्स्ट चीज इन वन पेन मुझे पढ़ लिया अभी इसको लिखने दो उसके बाद पढ़ना मुझे समझ नहीं आया अभी
पिक्चर्स लिख दिया पीछे टुकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप फटाफट। रुक जाओ, आधा आधा पढ़ा करो फिर हिंदी तभी तो निकलेगी ना। फिर से पढ़ो आधा 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 पढ़ो। 14 sticks can be क्या 14 स्टिकर कैन बी कर सकते हैं पेस्टेड इन वन, एक पेज में 14 स्टिकर्स हम पेस्ट कर सकते हैं। स्टिकर्स कैन बी पेस्टेड इन 158 पेजेस में कितने चिपकेंगे, यानी वन पेज में कितने लगाएंगे 14। तो 14 नहीं लिखना है, बस अभी यहाँ से लिखो एस कैपिटल बनाना, ठीक है। स्टिकर्स कैन बी पेस्टेड इन वन पेज इक्वल एस कैपिटल, 14 मत लिखो अभी, स्टिकर से लेके वहां तक पेज लिखना भाई। स्टिकर से लेके फुल स्टॉप है जहाँ वहां तक पेज तक पेज है जहाँ नंबर मत लिखना अभी। क्या बोल रहे हो भाई तुम तनिष्का, पढ़ने बोला है याद करो ही स्पेलिंग के साथ, याद करनी इनकी हिंदी लिख देना इस पे पेंसिल से इनकी बुक में, ठीक है पता रहेगा। लाओ फोर के टेबल में दोनों आ रहे हैं ना, फोर से काट दो, फोर बन जाओ ऊपर, वन लिख दो, फोर को काटो, काटो ऊपर फोर को, वन लिख दो ऊपर फोर के, नीचे ट्वेल्व काटो, फोर थ्री जा थ्री लिखो ट्वेल्व के नीचे, और नीचे लिख दो इक्वल वन बाय थ्री आ गया आंसर, ठीक है। वन और थ्री एक टेबल में नहीं आते ना तो आंसर, इसको लोएस्ट फॉर्म कहते हैं, लोएस्ट में कर लिया तुमने चेंज, जब पहले दिया था वो खाली ऐड करना था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तुम, ठीक है बस हो गया, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर इतना पूरा करोगे तो। करो भाई आगे, पूरा हो गया इक्वल करके लिख भी दिया 14 भी, ठीक है। अब सेम ऐसे ही लिखना है, बस वन की जगह क्या आएगा 158, लिखो ये लाइन फिर से। एस कैपिटल पहला लेटर कैपिटल बताया था ना मैंने, और क्या बड़ा बनाते हैं ना कैपिटल एस, स्टिकर से लेके काका लिखना सेम वैसे ही लिखना है जो ऊपर लिखा है, वन की जगह जो नंबर दिया है ना बड़ा वाला वो लिखना है बुक में जो दिया है। हाँ 156 लिख देना वहां पे। जितने की मुझे हिंदी आती है मैं उतने के लिख दे रही हूँ। एक मिनट अभी अभी यहाँ माइनस नहीं, 156 इक्वल इक्वल का साइन लगेगा ना, नहीं एक मिनट रुको रुको, पेजेस नहीं पूरा लिखना है ना, वन की जगह मैंने पेजेस लिखो अभी यहाँ पे, मैं ब्लू वन ले रही हूँ पेजेस मतलब हाँ पी ए अरे तो कुछ नहीं करेगी वो, दे दो उसे वो कुछ नहीं छेड़ेगी कुछ नहीं, पेंसिल इतनी लाइट चल रही है बस, तो जैसा तू है वैसी पेंसिल, अब दे जल्दी तुम दे दो, नहीं दे रहा कोई बात नहीं बस, ये तो प्राइम नंबर 17 नहीं कटेगा, बस इतना ही छोड़ देंगे इसे, लाओ एक बार चेक करा लो।
जैसे प्राइम नंबर है ना तो ये कटेगा नहीं, सही है, बस इतना ही करके छोड़ देना ऐसे। तो जो क्वेश्चन है उतारना होता है सीधे, यहाँ से वो उतारना होता है जो लिखा है मैंने, ठीक है, वो उतार के तब करते हैं। चलो आगे करो, सही कर रहे हो, करते जाओ। और वर्कशीट लाए हो अपनी? वर्कशीट नहीं है मैडम ने जो कराई थी मैथ्स की, वो फिलअप विलअप आएंगे याद करने हैं, एक बार रिवाइज करना है। वो कॉपी दे दो मुझे जिसमें रिवीजन करा रखा है, वो एक बार रिवाइज करा दूंगी सारा कुछ। में आना बस लिख दो, कम आना, ऐसा अंदर आना बाहर आना, कम माने आना। बोलेंगे तो अंदर होगा, माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना है, सही से पढ़ना टेबल वगैरह। क्या लिख दिया इतना चिपका के, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। 14 ऐसे थोड़ा खुला लिखा ना, ज्यादा ही छोटा छोटा लिख देते हो, दिखता भी नहीं है ये टेबल, ठीक है। हाँ तुम बताओ, सही तो लिखा तुमने, 4 घंटे में 5 बार पढ़ दो, 4 5 जा सही से पढ़ो ध्यान से, 20 में 2 और जोड़ो, 22 पर 2 यहाँ ले रहा हूँ, इतना ही छोड़ देना है, ये सॉल्व नहीं होगा आगे। हाँ रात को ही पहले ही करके रखना चाहिए ना अपना, सही है भाई तुम्हारा, नेक्स्ट करो। अब मैं कौन सा पढ़ूंगा, 11 क्लास।